जैसे अपना हाइड्रोलिक सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अलग से बहुत बड़ा टंकी लगाया है। इसका फ़ायदा यह है कि इस लोडर की कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी इसको ये यूज़ करके दिखाएंगे, चला कर दिखाएंगे। इसकी 12.5 फुट तक हाइट है दोस्तों। अच्छा, लोडर बनाने में टोटल कितना खर्चा आया? 3 लाख रुपए खर्चा आया और मैंने ये लोडर रावतसर से बनवाया है और वहाँ बनाने वाले जो कारीगर है बहुत ही अच्छा इसको बनाते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जो बुल कंपनी वगैरह के लोडर आते हैं उनमें और इसमें कितना फ़र्क है? तो दिन का अंतर है। बुल कंपनी का लोड जो लोडर है उसकी जो ताकत है इतनी नहीं, जिसमें मैंने ये बनवाया बहुत अच्छी ताकत है इसमें। इसका ज़्यादा माल उठाने की कैपेसिटी दे रखी है इसमें? इसमें ज़्यादा माल उठाने की कैपेसिटी दे रखी है। ओके, धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने अपना सोनालिका DLX को लोडर के साथ देखा है। इसमें बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है और यह ट्रैक्टर आराम से इस लोडर को खींचने में सक्षम है। 52 HP का होने की वजह से यह ट्रैक्टर डीजल कम खर्च करता है और यदि हम 60 HP का ट्रैक्टर काम में लें या 65 HP का ट्रैक्टर काम में लें तो उनमें डीजल ज़्यादा खर्च होगा और ये कम डीजल में अपना अच्छा काम कर देता है। और इसके पीछे के टायर है वो भी काफ़ी चौड़े दे रखे हैं, 14x28 के पीछे का टायर है और इसमें हाई टॉर्क दे रखा है, इसकी वजह से यह पिकअप बहुत जल्दी करता है। और इसके साथ यहाँ पर लोडर को चलाने के लिए इसमें देख सकते हैं शटल दे रखा है, शटल गियर दे रखा है, इसकी वजह से यह लोडर को आराम से चलाने में सक्षम है। धन्यवाद।